FIR गवर्नमेंट ऑफिसर्स गजेटेड ऑफिसर्स किया है, किनके ऊपर किया बोले तो बीजेपी के गुलबर्गा प्रेसिडेंट के ऊपर किए सो है FIR। क्या बोले तो फ्लैग्स इलीगल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं लगाना इलेक्शन के टाइम पे बोल के लगाए, बोल के फ्लैग्स और बैनर लगाए बोल के मेरा कंप्लेंट था ना, मैं कंप्लेंट एप्लीकेशन दिया था, मेरा कंप्लेंट आधार उन्होंने FIR करके आज पुलिस स्टेशन चौक में FIR रजिस्टर हुआ है। नमस्कार आदाब दोस्तों, कर्नाटक में चल रहे विधानसभा चुनाव प्रचार और वोटिंग से पहले बीजेपी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। आप जानते हैं देश के गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पहले ही FIR दर्ज करवाई है, चुनाव आयोग में शिकायत की है कि इन दोनों के चुनावी प्रचार पर बैन लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कलबुर्गी के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी दो दिन पहले रोड शो था, उसमें बीजेपी ने खूब झंडे लगाए, फ्लैग्स लगाए, जो कि वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, और इसी के खिलाफ अब जो है एक वहीं के प्रत्याशी ने बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है कर्नाटक के उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे, उन्होंने किस बेस पर जो है ये FIR दर्ज करवाई है ये भी उनका बयान हम आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है जो है कर्नाटक से ही, जहां पर बीजेपी ने अब ये खुलेआम ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश योगी राज में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चलाई जा रही है इनकाउंटर वाली सरकार, उसी तरह से कर्नाटक के अंदर भी बीजेपी सरकार चलाएगी और कोई भी अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उनका इनकाउंटर करवा दिया जाएगा। खुद एक बीजेपी के नेता ने यह बयान दिया, आगे हम आपको सुनाएंगे भी। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है वो मध्य प्रदेश से है, जहां पर सीएम शिवराज का रास्ता रोकने की सजा 25 आशा कार्यकर्ताओं को मिली है। दोस्तों महिलाओं का सम्मान करने वाले बीजेपी राज्य में किस तरह से महिलाओं को सीएम का घेराव करने पर उनको नौकरी से निकाला गया और उनको सजा दी गई है, यह सुनकर के आप चौंक जाएंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और देश के गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ पहले ही कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलने के आरोप में बेबुनियाद मतलब आरोप लगाने के उस पर और कर्नाटक के अंदर भाईचारा एकता खत्म करने और हिंसा को बढ़ावा देने के मामले में FIR दर्ज करवा दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन अब उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कलबुर्गी में अभी दो दिन पहले एक रोड शो था और वहां पर रोड शो से पहले बीजेपी ने गलत तरीके से फ्लैग्स लगाए जो कि कानून के खिलाफ है, और इसी को लेकर के एक वहीं के कैंडिडेट ने बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं गुलबर्गा बीजेपी के प्रेसिडेंट उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। खुद जिसने FIR दर्ज करवाई उसका क्या कहना जरा सुनिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। आवाम को शरण आईटी का नमस्कार और सलाम। मैं शरण आईटी कलबुर्गी नॉर्थ असेंबली का MLA कैंडिडेट JDU पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड। मेरा सिंबल है तीर, सीरियल नंबर है 9। आज मैं आपके सामने क्यों हूँ बोले तो कल मोदी रोड शो थे गुलबर्गा में, कहाँ से बोले तो KMF डायरी से तिम्मापुरी सर्कल तक, वो सर्कल में बीच में फ्लैग लगाए थे, रोड का डिवाइडर में बीच में फ्लैग लगाए थे, बैनर लगाए थे, वो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, वायलेशन ऑफ MCC कोड ऑफ कंडक्ट है और नहीं लगा सकते। मुझे कमिश्नर सर में कंप्लेंट कब किया, सुबह करीब 12-1 बजे किया था, तब उन्होंने बोले थे मैं निकालने लगा तो बोल के थोड़े निकाले बोल के, आज वो भी बोले और वो वायलेशन किए बोल के FIR कर तुम बोले थे। कल रात में 12:30 बजे देखिए FIR कॉपी, कल रात में 12:30 बजे बोले तो 3 तारीख आज सुबह 12:30 बजे बोले तो रात के 12:30 बजे अर्ली मॉर्निंग बोलते ना मिडनाइट में 12:30 बजे FIR केस हो है, FIR गवर्नमेंट ऑफिसर्स गजेटेड ऑफिसर्स किया है, किनके ऊपर किए बोले तो बीजेपी के गुलबर्गा प्रेसिडेंट के ऊपर किए सो है FIR। क्या बोले तो फ्लैग्स इलीगल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं लगाना इलेक्शन के टाइम पे बोल के लगाए बोल के फ्लैग्स और बैनर लगाए बोल के मेरा कंप्लेंट था ना, मैं कंप्लेंट एप्लीकेशन दिया था, मेरा कंप्लेंट आधार उन्होंने FIR करके आज पुलिस स्टेशन चौक में FIR रजिस्टर हुआ है। FIR नंबर है 82। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, ये JDS का कैंडिडेट है
जो बीजेपी के गुलबर्गा प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने मोदी जी के रोड शो के दौरान गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट मतलब जो है किया है और इनलीगल तरीके से फ्लैग्स लगाए थे, इसी के चलते ये मतलब एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से माहौल बनाने की और किस तरह से मतलब चीजें कर्नाटक के अंदर चल रही हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है कर्नाटक से ही, जहां पर बीजेपी के एक नेता ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया है कि अगर कर्नाटक में उनकी सरकार बनती है तो जो कोई भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा उसका इनकाउंटर करवाएंगे। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान की यह खबर है, आप देख सकते हैं यहां पर सीधे तौर पर बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि हम कर्नाटक में भी योगी जैसी सरकार बनाएंगे, जो हिंदू के खिलाफ बोलेगा उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। यह बसन गौड़ा एक बीजेपी के नेता हैं, बसन गौड़ा पाटिल, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि यह खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बीजेपी के नेता कर रहे हैं और विवादित बयान दे रहे हैं, जिससे हिंदू मुसलमान और कम्युनिटी के अंदर लगातार जो हेट फैल रहा है, लेकिन इन नेताओं के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। आपको पता होगा कि जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है, अगर इस तरह का बयान किसी दूसरी पार्टी का नेता देता तो अब तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई होती ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा तो उसका सीधे उसको खत्म कर दिया जाएगा, इनकाउंटर करवा दिया जाएगा, हम योगी जैसी सरकार कर्नाटक के अंदर बनाएंगे, तब यहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर ऐसे नेता सत्ता में आते हैं और ऐसी विचारधारा वाली पार्टी के नेता जिनके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से एक कम्युनिटी के खिलाफ क्या कुछ भरा हुआ है, अगर ये सत्ता में आएंगे तो कर्नाटक का क्या होगा, जरा आप इसकी कल्पना करिए और आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर शिवराज सिंह चौहान का रास्ता रोकने की 25 आशा महिला कार्यकर्ताओं को सजा दी गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 आशा कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसको लेकर के स्वास्थ्य निदेशक की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं पर यह कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज करने की बात की गई है। बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रही आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की अनुमति मांगी थी, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने परमिशन दिया था, लेकिन 16 अप्रैल को कार्यक्रम के बाद सीएम बिना आंदोलनकारी महिलाओं से मिले जा रहे थे और वहीं पर आशा कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर दिया और सिर्फ इतना ही उनके लिए कहीं ना कहीं इस कार्रवाई का सबब बन गया। क्या किसी सीएम के सामने जाकर के अपनी बात को रखना, उसके काफिले के सामने जाकर के अपनी आवाज को उठाना गलत है? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री से तक अपनी बात को पहुंचाना गलत है? और अगर महिलाओं के प्रति बीजेपी ये कहती है कि हम बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करते हैं और नारियों को सशक्त बनाना चाहते हैं, उनको उनका इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो क्या यहां पर महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जब वो परेशान हो गई, काफी दिनों से अपना धरना प्रदर्शन कर रही थी, वहां पर इनको इंसाफ नहीं मिला, तब जाकर के सीएम के काफिले के सामने ठहर के वो लोग जो है अपनी मांग उठा रहे थे। क्या ये सब करना गलत है? क्या अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाना गलत है? और उसके ऊपर अब इन महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया गया है, इनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।